सरपरस्त हजरात और प्यारे बच्चों, अब हम तस्वीरी शुमारियात की तीसरी मिसाल समझेंगे। इससे और हमें समझने में बहुत आसानी पैदा होगी। प्यारे बच्चों, सरपरस्त हजरात, अब हम तस्वीरी शुमारियात की तीसरी मिसाल तुम्हारे सामने मैं पेश कर रहा हूँ। नसरीन ने तालीमी जलसे के लिए कुछ कुर्सियों का इंतज़ाम किया और उसने उस कुर्सियों की मालूमात एक जजूर के जरिए आड़ी तरतीब में पेश किया। इसमें कुर्सियों की किस्म, कुर्सियों की तादाद, लोहे की कुर्सियाँ 1, 2, 3, 4, 5, प्लास्टिक की कुर्सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लकड़ी की कुर्सी 2। अब यहाँ पर पैमाना दिया हुआ है, कुर्सी यानी 10 कुर्सियाँ, यानी एक कुर्सी की तस्वीर, उसको हमको कितनी समझना है, 10 समझना है। जैसे कि लोहे की कुर्सियाँ, अब लोहे की कुर्सी यहाँ कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, तो इसको 10 से अपने ज़रब करना है। 5 ज़रब 10 = 5 = 50, यानी लोहे की कितनी कुर्सियाँ हुई, 50। अब प्लास्टिक की कुर्सियाँ कितनी है, 8 है, और एक कुर्सी कितना समझना है, 10 समझना है। तो 8 ज़रब 10 = 80। इसी तरह लकड़ी की यहाँ पर कुर्सी की 2 कुर्सियाँ की तस्वीर है, अब एक तस्वीर को हमको 10 समझना है, तो 2 कुर्सियाँ यानी 2 ज़रब 10 = 20। इस तरह नसरीन ने जलसे की कुर्सियों की मालूमात इस जुदुल से पेश की। प्यारे बच्चों और मोहतरम सरपरस्त हज़रात, हमने 3 मिसालों के ज़रिए तस्वीरी शुमारियात की मिसालें मैंने आपके सामने पेश किया। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसे बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अब इसी तरह चौथी मिसाल, आखिरी मिसाल आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, सरपरस्त हज़रात, अब मैं तस्वीरी शुमारियात की चौथी मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक गांव में 160 घरों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, इसकी मालूमात मैं आपको इस जदूल के ज़रिए दे रहा हूँ। ईंधन इस्तेमाल करने वाले घर, गैस इस्तेमाल करने वाले घरों की तादाद कितनी है, 1, 2, 3 और 4। ये घर यानी, इसका मतलब है एक घर यानी 10 खानदान, तो गैस का इस्तेमाल करने वाले खानदानों की तादाद यहाँ पर 4 दी हुई है, इसको हमने 10 समझना है, यानी एक घर यानी 10 खानदान, तो 4 के लिए 40 खानदान गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह केरोसिन का इस्तेमाल करने वाले खानदानों की तादाद कितनी है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी केरोसिन का इस्तेमाल करने वाले खानदानों की तादाद 7 है, उसे हमने 10 समझना है। खानदान एक घर की तादाद 10 समझना है, इसलिए 7 ज़रब 10 = 70, यानी केरोसिन का इस्तेमाल करने वाले खानदानों की तादाद 70 है। इसी तरह लकड़ी का ईंधन इस्तेमाल करने वाले खानदानों की तादाद यहाँ पर 2 दी हुई है, 10 के हिसाब से हम समझेंगे इसे 20। इसी तरह गोबर गैस का ईंधन इस्तेमाल करने वाले खानदानों की तादाद यहाँ पर 1, 2, 3 दी हुई है, तो इसे हमने 3 को 10 से ज़रब देकर समझना है, 3 × 30। इस तरह से एक गांव में 160 घरों में ईंधन इस्तेमाल किया जाता है।